गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैंने सुबह जल्दी से जल्दी ट्रैक स्टार्ट करने का प्लान किया है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे रास्ते में, जहाँ पे आप रह सकते हैं और खाने का बंदोबस्त वहाँ पे है। तो मैं रात को यहाँ पे ही रुक गया था। नानो विलेज है, वहाँ पे मैंने रात को स्टे किया था। यहाँ पे आपको ऐसे रूम मिल जाएंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो इतना लग्जरी तो नहीं मिलेगा, बट टाइम पास के लिए बढ़िया है। देखिए, खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। बिल्कुल पहले के 4-5 किलोमीटर आपको इजी मिलेगा, बट उसके बाद पूरा ट्रैक ही आपको स्टीप मिलेगा। तो आप आते हैं तो इसके लिए प्रिपेयर हो गया है। तो माई नेम इज़ कामिनी, वी मेट ऑन दी वे। हम लोग सोलो ट्रैकर्स हैं, बट आई वुड डेफिनेटली से डोंट ट्रैक अलोन, बिकॉज एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर कैसे चढ़ें, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर टू कम ऑल द वे अप, जबकि पूरा अपस्लोप है, क्योंकि गोंधार से हमें पूरा अपस्लोप मिला है जो हम लोग आए हैं। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव गुड कंपनी एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। अगर आप जितना सुबह स्टार्ट कर लें अपनी ट्रैक, उतना अच्छा आपके लिए है, सो दैट यू रीच अप ऑन टाइम एंड देन यू कम बैक ऑन टाइम। So, कैसा लग रहा है? गुड, वी फाइनली रीच। लेकिन आई वुड से कि जो हमारा लास्ट स्ट्रेच है फॉर अराउंड 1-1.5 किलोमीटर वो फ्लैट है, तो यू नीड नॉट बी डीमोटिवेटेड। वो थोड़ी चढ़ाई है, बट देन इवेंचुअली यू कैन सी इट्स वर्थ इट। यहाँ के व्यू देख के जो भी थकावट थी बिल्कुल हट गई। तो फाइनली वी आर एट मध्य में है इस मंदिर, सामने मंदिर है, आपको पास लेके चलते हैं। भैया एक चीज बता रहे थे यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, भैया एक बार एक्सप्लेन करोगे? तो मध्य महेश्वर में हमने एक चीज बहुत अलग देखी है। एक तो आप जब नीचे से उतर से गोंडार से तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, और दूसरा यहाँ पर कि आप अपनी मर्जी से कहीं रुक नहीं सकते हो, आपको पर्टिकुलर इनसे बात करनी पड़ेगी और वो सारी व्यवस्था ही करेंगे यहाँ पे। और खाने का भी वही सिस्टम है, जिस भी होटल पे यहाँ पे रुकोगे आप तो वहीं आपको खाना आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप खाना वहाँ खा रहे हो या चाय आपका मन कर रहा है किसी दूसरे जगह में पीने का, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ की जो लोगों की यूनिटी है, यहाँ अपना इन लोगों का जो ग्रुप है तो ग्रुप के हिसाब से ये लोग काम करते हैं ताकि सभी को समान रूप से रोजगार भी मिले और उनकी जो आजीविका है, दिनचर्या है, वो भी मिले। तो आपस में जो भाईचारा है इन गाँवों के लिए वो हेड्स ऑफ है। आप रात को आते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शिव मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया है। मध्य में इस गढ़वाल क्षेत्र के 5 केदारों में से एक है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने युद्ध में किए गए पापों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए वनवास पर निकले, जहां पर भगवान शिव एक बैल के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और जब उन्हें पकड़ा गया तो वो गायब हो गए और अपने बैल रूपी शरीर के अलग अलग भागों को हिमाचल के विभिन्न स्थानों पर छोड़ गए। इन भागों को 5 केदार के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 केदारों में से केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर भी हैं। यहाँ पे कुंड भी मिल जाएंगे आपको नहाने के लिए। मध्य महेश जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ भगवान शिव के बैल रूप के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है।
दर्शन कर लिए, अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर होगा बूढ़ा मध्य महेश।